असलकम टीम टेन एप की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर फोर है आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट no डाउन कर सकें दोस्तों ये लेक्चर ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए आखिर में दोस्तों हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में पता करेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करना है तो दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये दोनों एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन दोनों को आपने लाजमी देखना है अगर आप किसी भी चीज़ में आप ट्रेड करोगे तो आप इस पॉइंट को नोट no डाउन कर लो जब भी आप अपनी ट्रेड करोगे तो आप लाजमी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाए जो प्राइज़ होता है वो बिल्कुल एक बास्केट बॉल की तरह होता है वो हमेशा बाउंस कर रहा होता है एक डायरेक्शन में तो जो उसकी डायरेक्शन है उसको आपने समझना है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड पॉइंट जान सकते हो कि, कि आपने कहाँ पे बाई करना है और कहाँ आपने सेल करना है सपोज़ करो कि जो प्राइस है वो इस तरह बाउंस हो रहा है और फिर इस लाइन पे आके टच करके रिबाउंड होता है फिर उसके बाद दोबारा इस लाइन पे आता है और फिर उसके बाद दोबारा रिबाउंड हो जाता है तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया कि जो आपकी प्राइस है वो इस लेवल पे आके जब भी टच करेगी तो वापस रिबाउंड होगी क्योंकि यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं मगर इसी तरह जो आपकी प्राइस है जब भी वो ऊपर एक लेवल पे जाएगी फिर से वो वापस नीचे आ जाएगी मगर फिर उसके बाद दोबारा वो कोशिश करेगी कि उस लेवल पर आने की मगर वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी फिर वो दोबारा नीचे आ जाएगी तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है ये एक ऐसा एक लेवल है कि जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बार बार इस लेवल पे पहुंच के नीचे घर जाता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स मौजूद होते हैं तो आपने इन दोनों लेवल्स को जानते हुए आपने ट्रेड करनी है मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि आप थोड़ा सा इनके बारे में समझ जाओ कि ये लेवल्स होते क्या हैं मगर दोस्तों मार्केट है मार्केट में ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हमेशा बनते रहते हैं अब अगर आप देखें कि सपोज़ के जो प्राइस है वो यहाँ सपोर्ट से बाउंस हुई और रेजिस्टेंस पे आई फिर दोबारा सपोर्ट पे बाउंस हुई फिर रेजिस्टेंस पे आई मगर यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट बन गया कि यहाँ पे ज़्यादा बायर्स आ गए जिसकी वजह से प्राइस ऊपर शूट कर गई तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल था ये आपका सपोर्ट बन जाएगा एक तरह से मगर जिस तरह जो आपका रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बनता है उसी तरह सपोर्ट लेवल भी आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है तो सपोज़ के प्राइस आपके रेजिस्टेंस पे आई और सपोर्ट पे आई मगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स आते हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे चली जाती है तो एक तरह से ये आपका रेजिस्टेंस लेवल वापस से बन जाएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बायर्स होने चाहिए ताकि प्राइस वापस से ऊपर है और ये इसकी एक सपोर्ट लेवल बन जाए अब दोस्तों आते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि रियल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे बनते हैं तो दोस्तों मैं आपके सामने एक रैंडम सा प्राइस एक्शन बना रहा हूं इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से लेवल्स हैं तो दोस्तों जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करोगे तो आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है यह आपको इस पैनल में मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि यह आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस एग्जैक्टली बना देगी जो आपको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का बताएगी अब जो मैंने प्राइस एक्शन बनाया है बिल्कुल एक रैंडम से मैंने प्राइस एक्शन बनाया है तो इसमें सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है अगर आप प्राइस एक्शन पर नोट करें कि प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गई फिर रिबाउंड हुई फिर ऊपर गई फिर रिबाउंड हुई तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल बन गया जब दूसरी बार ये इधर रिबाउंड हुई है फिर तीसरी बार ये ऊपर गई फिर चौथी बार भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके रिबाउंड कर गई तो ये इसका सपोर्ट लेवल है अब तो इसका रेजिस्टेंस लेवल आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाना है तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका यहाँ पे अगर आप नोट करो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई और फिर डिक्लाइन हो गई फिर वापस ऊपर गई और यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया मगर ये कामयाब नहीं हुई फिर डिक्लाइन होगी फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की फिर ये इसको मैसिव रिजेक्शन मिली और ये वापस से सपोर्ट पे आ गई तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है अब ये एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते मगर ये ऑलमोस्ट एक एस्टिमेशन होती है तभी जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बना रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन को समझते हुए बनाएं तो इससे जो आपकी ट्रेड होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं कि चाहे यहाँ पे ब्रेकआउट हो या ना हो आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी दो पॉइंट्स या उससे ज़्यादा मैच हो जाए तो वो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा आपने इस पैटर्न को चार्ट्स में मॉनिटर करना है दोस्तों अगर डे चार्ट में बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन का प्राइस एक्शन है कि वो इस पॉइंट से यहाँ पे आया फिर रिजेक्ट हुआ फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ और फिर दोबारा रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ पर बाउंस बैक हुआ तो अगर मैं मुझे कन्फर्मेशन इसके दो पॉइंट्स की हो गई है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए तो वो यहाँ बनता है क्या अगर आप देखो कि प्राइस यहाँ गई फिर रिजेक्ट हुई फिर दोबारा प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और सपोर्ट बनाने की कोशिश की मगर यहाँ पर नाकाम हो गई दूसरी बार भी तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया और तीसरी बार भी यही हुआ फिर चौथी बार भी यही हुआ फिर उसके बाद पाँचवीं और छठी बार दोनों इसमें सपोर्ट एक लेवल बन बनना इसके लिए मुश्किल था तो ये एक इसका रेजिस्टेंस ले, लेवल है और अगर हम और डिटेल में देखें तो जहाँ इसका ये सपोर्ट लेवल टूटा तो आप देख सकते हो कि कितनी इसको एक हैवी रिजेक्शन मिली है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक सेलिंग हुई है तो अगर मुझे अपना इन आ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को कंफर्म करना है तो मैं डे चार्ट पे था तो मैं इसको फोर आवर चार्ट पे कंफर्म करूँगा यानी इससे लोअर टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा भी लो ना रखें कि थर्टी मिनट्स या बना रहे अगर आप डे चार्ट पे करें तो जो सूटबल है कि आप उसको फोर आवर चार्ट पे करें तो आप देख सकते हो कि प्राइज एक्शन के जो सपोर्ट आपका लाइन है वो किस तरह फोर आवर चार्ट पे भी बिल्कुल मैच कर रही है और इनकी रजिस्टेंस भी और जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे रिजेक्शन हुई है उसको आप देख सकते हो फोर आर भी तो ये आपकी कन्फर्मेशन है कि अगर आपने डे चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन सही बनाई है तो आपको फोर आर चार्ट पे भी सही नज़र आएंगी तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो इनका आप कलर डिफरेंट रखना आप रेजिस्टेंस लाइन का आप रेड रख सकते हो और सपोर्ट का आप ग्रीन रख सकते हो जैसा कि आपको ईजी हो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की ट्रेंड लाइंस दो टाइप की होती हैं होली ट्रेंड लाइन और बहरिश ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड लाइन बनाने का जो तरीका है सबसे पहले हम होली ट्रेंड लाइन बनाते हैं होली ट्रेंड लाइन आपकी कैंडल स्टिक्स की लोअर विक के हिसाब से बनती है तो आप जो प्राइस एक्शन है उसको आप बिल्कुल इस तरह आप बनाएं कि जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं उनका जो लोअर विक है वो उस पर टच कर रही है और वहाँ पर उनको एक सपोर्ट मिल रही हो इस तरह आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई बोलेज ट्रेंड लाइन क्या आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली फिर से इसको यहाँ दूसरी बार सपोर्ट मिली और तीसरी बार यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिल गई कि यहाँ से इसका जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया अब बेरिज ट्रेंड लाइन जो बनानी है वो इस तरह बनती है कि जहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है उसका जो अपर विके आपने उनकी नेक्स्ट कैंडल्स को टच करते हुए आपने बनाना है तो अगर आप देखें यह इसका एक डाउन ट्रेंड बन रहा है जब यह वाला प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वो एक अप ट्रेंड में आ जाएगा तो जो बेरिश ट्रेंड लाइन होती है वो एक तरह का रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है कि जब भी एक्शन उनको टच करेगा हो सकता है कि वो वहाँ से हैवी रिजेक्शन लेके वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ और मजीद घेरे तो ये आपकी बुलिश ट्रेंड लाइन होगी ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी तो दोस्तों अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ये थर्ड ऑप्शन में आप जाएंगे मेन्यू में तो आपको ये फर्स्ट जो टूल है वो आपको मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक टूल है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बता देता है आप अगर मैन्युअली बनाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का मसला होता है मगर फेबिनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको काफ़ी रिलायबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बता देता है अब ये जो इसके ऊपर डिफरेंट ये जो लेवल्स हैं आप इनको सिर्फ अभी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझो हम इनको बाद में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है तो उसमें इसको और डिटेल में हम कवर कर लेंगे अब इसको आपने यूज इस तरह करना है कि जो आपको लोएस्ट पॉइंट मिलेगा उसको आप एक हाइस्ट पॉइंट के साथ मैच करें जैसे कि आपको इस प्राइजेक्शन में मिल रहा है ये इसका लोएस्ट पॉइंट था और ये इसका नेक्स्ट हाई बनाए और ये सारे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको एक तरह से मिल गए तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आपने ट्रेंड लाइन बनानी है इसके लोएस्ट पॉइंट से जहाँ पर भी, भी आपको ट्रेंड लाइन में सपोर्ट मिल रही हो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन बन गई ठीक है इसमें हालांकि आपको थोड़ी सी कुछ वेक्स नज़र आएंगी मगर फिर भी जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड बन रहा है और यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल रही है और ये सारे फिबोनाची लेवल्स हैं अगर आप इनमें देखो कि जो सपोर्ट है वो आपका ये वाला लेवल है यहाँ पे मार्केट वापस आई रिबाउंड हो गई फिर दोबारा वापस यहाँ से रिबाउंड हो गई तो ये इसका एक सपोर्ट है और अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखो तो ये एक टाइप का आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल गया कि दो दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की मगर इसको ये ब्रेक फिर फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया तो आप देखो कि इसका ब्रेकआउट कितना अच्छा हुआ अगर आप ट्रेड करते इन लेवल्स को देखते हुए तो आप इस पॉइंट पर ट्रेड करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन की एक तरह से सपोर्ट भी है और यहाँ पर इसकी एक फिबनाची लेवल पे भी सपोर्ट है तो आप यहाँ पर लॉन्ग या यहाँ पे आप स्पॉट पे बाई कर दें और फिर आप इस लेवल पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उस पे आप सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं आप इसको रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हो कि जो इसका यहाँ पे इसका जो अपर पॉइंट था उसको आप इसके लोअर पॉइंट तक आप लेके गए फिर आपने ट्रेंड देखा जो इसका ये डाउन ट्रेंड है उस पर आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी तो ये इस तरह आपकी ट्रेंड लाइन बन गई तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया और फिर जो इसके फेब लेवल्स हैं अगर इसको ज़ूमिन करें तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हो गया सपोर्ट पे फिर दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया फिर फोर टाइम पे यहाँ पे इसका सपोर्ट ब्रेक हो गया तो आप फेब लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करो ट्रेंड बेस्ड तो आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर उसके ऊपर आप फिबोनाची लेवल भी लगाओ जब आप ये चारों चीज़ों को एक साथ करोगे तो जो आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी तो दोस्तों अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ आप कोई भी तीन चार्ट्स जैसे बिटकॉइन टेस्ला या कोई भी आपके पसंद का आप ना आप मैनुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आप बनाओ तीन चार्ट्स के ऊपर आप बनाओ फिर उसके बाद आप कोई भी दो चार्ट के ऊपर आप फेबनाची यूज़ करो और उस पर ट्रेंड लाइन भी आपकी होनी चाहिए तो ये आपका टास्क है टोटल आपने मुझे फ़ाइव चार्ट्स बना के देने फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा कि आपने किस तरह बनाना है और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते